हेलो दोस्तों, पूरब खमकर द टेक्निकल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हेलो दोस्तों, यह है सैमसंग की 8 kg वाली न्यू मशीन जिसका अनबॉक्सिंग मैंने पिछले वीडियो में किया था। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में हम इसके कंट्रोल पैनल की जानकारी लेने वाले हैं, तो चलिए डेमो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पावर ऑन करना है। आपको यहाँ जो नंबर दिख रहा है वो इन कपड़ों की कैटेगरी के नंबर हैं। यहाँ पर टोटल 8 प्रोग्राम साइकिल दिया है। जैसे कि ये जो एक नंबर है वो ये नॉर्मल कपड़ों के लिए होता है। अभी हम वाटर लेवल सेट कर लेते हैं ताकि हमें नंबर के साथ साथ टाइम भी दिखाई दे। ये टाइम हमने कम से कम लगाया हुआ है। ये 46 मिनट्स नॉर्मल कपड़ों के लिए होते हैं। यहाँ से आप बटन दबाकर नंबर को चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये 2 नंबर है क्विक वॉश के लिए, और ये क्विक वॉश के लिए 35 मिनट लगते हैं। 3 नंबर है डेलिकेट्स के लिए, मतलब मुलायम कपड़ों के लिए, और उसके लिए 38 मिनट लगते हैं। 4 नंबर पर है बेडिंग, मतलब बेडशीट और चद्दर के लिए, और बेडशीट धोने के लिए 85 मिनट्स लगते हैं। 5 नंबर पर है जीन्स, अगर आप सेपरेटली जीन्स धोना चाहते हो तो आप 5 नंबर सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके लिए 60 मिनट लगते हैं। 6 नंबर पर है एनर्जी सेविंग, मतलब इसमें आप चद्दर, पर्दे, सोफा कवर धो सकते हो, उसके लिए 56 मिनट के लगते हैं। 7 नंबर पर है रिंस और स्पिन, ये सिर्फ 20 मिनट के लिए होता है। रिंस और स्पिन का मतलब, अगर आपने बाहर कपड़े धो लिए और मशीन में कपड़ों को सिर्फ खंगालना और सुखाना हो तो आप रिंस और स्पिन ऑप्शन चुन सकते हो। ध्यान रखिए, ये सिर्फ बाहर धुले हुए कपड़ों के लिए होता है। और 8 नंबर पर होता है सबसे लास्ट वाला इको टब क्लीन। ये टब क्लीन आपको हर महीने में एक बार करना होता है, और उसके लिए 2 घंटे का समय लगता है, मतलब 2 घंटे आपको इस प्रोग्राम के लिए देने होते हैं। साथ ही साथ आपको एक टिप भी देता चलूँ, जब भी आप इको टब क्लीन करते हो तो छत पर जो भी पानी की टंकी है उसे फुल रखिए, क्योंकि इस प्रोग्राम के लिए पानी काफ़ी मात्रा में लगता है। साइकिल बटन के नीचे आपको एक सिंबल दिख रहा होगा, ये सिंबल बबल स्टॉर्म ऑप्शन के लिए होता है। चलिए आपको बताते हैं बबल स्टॉर्म क्या होता है। ये देखिए, ये होता है बबल स्टॉर्म, मतलब पानी के प्रेशर से इस तरह का झाग तैयार होता है। यहाँ पर डिटर्जेंट पाउडर डालने पर पानी के प्रेशर से जो झाग तैयार होता है वो पानी के बहाव से कपड़ों पर गिरता है। चलिए बबल स्टॉर्म को कैसे यूज करें वो देखते हैं। यहाँ पर आपको 46 मिनट दिख रहे हैं जो नॉर्मल कपड़ों के लिए है। इस बटन को 3 सेकंड दबाकर रखिए, जैसे कि यहाँ बताया है कि जहाँ पर भी आपको एक छोटा सा स्टार दिखे उसे 3 सेकंड प्रेस करके रखिए। यहाँ पर भी वही स्टार है तो इसे भी हम 3 सेकंड दबाकर रखते हैं। अब देखिए, जो पहले 46 मिनट दिख रहा था वो अब 32 मिनट दिख रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बबल स्टॉर्म ऑप्शन यूज़ करते हो तो कपड़ों धोने का टाइम कम हो जाएगा। ये बटन है अलार्म का, मतलब आपको मशीन कितने समय बाद लगानी है उतना समय आपको यहाँ सेट करना होता है। ये 3 या 4 घंटे हमने लगा दिए, अब 4 घंटे के बाद मशीन शुरू हो जाएगी। ये वाटर लेवल का बटन है, अगर आपको कपड़ों के हिसाब से वाटर लेवल लगाना हो तो आप यहाँ से लगा सकते हो, वरना मशीन कपड़ों के वेट के हिसाब से वाटर लेवल खुद ही सेट कर लेती है। ये लास्ट वाला बटन होता है सिंगल प्रोग्राम के लिए। कपड़ों को सिर्फ धोना हो, सुखाना नहीं है तो रेड लाइट सबसे ऊपर रखिए। कपड़ों को सिर्फ खंगालना हो तो लाइट बीच में रखिए, और बाहर धुले हुए कपड़ों को सिर्फ सुखाना हो तो लाइट सबसे नीचे रखिए, या फिर ऊपर के दोनों काम एक साथ करना हो तो ऊपर के दोनों पर लाइट रखिए, या फिर खंगालना और सुखाना एक साथ करना हो तो लाइट नीचे के दोनों पर रखिए, और ये तीनों कामों के लिए तीनों लाइट चालू रखना चाहिए, मतलब धोना, खंगालना और सुखाना तीनों एक साथ। ये बबल स्टॉर्म के साथ साथ डिजिटल इन्वर्टर मॉडल भी है, मतलब इसके मोटर में कोई भी बेल्ट नहीं लगा होता है। आपने ये बबल स्टॉर्म के बारे में अब जान लिया है कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पर आप सॉफ्टनर लिक्विड डाल सकते हो जो खुशबू के लिए आता है।
जैसे कंफर्ट वगैरह या इजी वगैरह। यहाँ पर आप ब्लीच यूज़ कर सकते हो जो सफ़ेद कपड़ों पर लगाया जाता है, या जैसे चाय के दाग वगैरह लगे हो कपड़ों पर। यहाँ पर एक फिल्टर होता है जिसे आपको हर हफ्ते में 2 से 3 बार क्लीन करना होता है। यहाँ पर आप मशीन का मॉडल नंबर और कंपनी का टोल फ्री नंबर दोनों देख सकते हो जो मशीन के डोर पर लगाया रहता है। यहाँ पर आप कपड़े धोने के लिए पाउडर डाल सकते हो, या फिर पाउडर की जगह पर आप लिक्विड भी यूज कर सकते हो। यहाँ से आप मशीन को ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हो। एनर्जी सेविंग से बेडिंग पर टाइम ज़्यादा लगता है, इसका आप ध्यान रखिए। दोनों ही चद्दर बेडशीट के लिए होते हैं। चलिए हम टाइम चेक कर लेते हैं। 4 नंबर पर बेडिंग है उस पर 93 मिनट लगे हैं, जबकि एनर्जी सेविंग पर 56 मिनट लगे हुए हैं। यहाँ से आप मशीन को स्टार्ट कर सकते हो। ये देखिए लाइट ब्लिंक हो रहा है, मतलब मशीन स्टार्ट हो चुकी है। और यहीं से आप मशीन को स्टॉप भी कर सकते हो और यहाँ से पावर ऑफ कर सकते हो अगर आपको मशीन बंद करना हो। ये डेमो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइस। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसकी प्राइस की बात करें तो 21,500 रुपीज़ इसकी प्राइस है आज की डेट में सैमसंग ऑनलाइन शॉप पर, और अलग अलग जगहों पर इसकी अलग अलग प्राइस हो सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।